अस्सलाम वालेकुम। हम नेक्स्ट पार्ट के साथ हाज़िर हैं। अब हम ये देखें, वो जो मैंने कहा था ना, बहुत देर लगती है सीढ़ियाँ चढ़ने में म्यूज़ियम की, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। फिर अभी यहाँ पे मेरी कैट वॉक देखिएगा जो कि मैं इस स्टेयर्स पे आपको दिखाने वाली हूँ बहुत जल्द। ये देखिए, मैं आ रही हूँ ये मेरी कैट वॉक है इन द स्टेयर्स म्यूज़ियम। देखिए मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूँ ना, मॉडल। देखिए इसका एयर भी लिखा हुआ है कि ये कब बना था म्यूज़ियम। फिर हम यहाँ से एंटर हुए, इसके दो गेट थे एंटर और एग्ज़िट का। हम यहाँ से एंटर हुए हैं, इसका लुक कुछ इस तरह का है सामने का। एंटर होते ही खूबसूरत था, ये छत है, सामने तमाम फ्लैग्स लगे हुए हैं। यहाँ का पूरा नक्शा अंदर का, ये किस तरह का है म्यूज़ियम, उसका पूरा मैप लगा हुआ था। और ये फिर चलते जाते हैं लेफ्ट साइड से, फिर ये सब चीज़ों की लगे हुए ना, ये सारे जो थे क्या कहते हैं पोर्ट वगैरह जितने भी हैं पाकिस्तान में, ये उन सब के वो थे, एक मैप टाइप का बना हुआ था। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी इन्होंने सेव करके रखी हुई हैं, बहुत खूबसूरत मेंटेनेंस है। ये देखिए सब जगह के मैप हैं, इन्होंने चिट्स वगैरह भी यहाँ पर लगाई हुई हैं छोटी छोटी जगहों की, कौन सी जगह है, ये कहाँ का क्या है, ये कहाँ का पोर्ट है, ये सब पूरा मेंशन किया हुआ है। तो इतना डिटेलिंग में तो आप लोग देखते तो बोर हो जाते हैं, अगर रोक कर कोई देखना चाहे तो। ये मोहम्मद बिन कासिम ने जहाँ जहाँ की जगह फतह की थी, ये उसकी डिटेलिंग है, और ये उसका पिक्चर थी, और ये वो जगह थी। और यहाँ पे भी काफ़ी डिटेलिंग हुई हुई चीज़ों की, पाकिस्तान में कब क्या क्या हुआ, वो एक पिक्चर्स के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम की डमी बनाई हुई थी। ये भी डमी थी, ये भी सारी पिक्चर्स नाम के साथ उनकी डिटेल्स। फिर हम आ गए हैं इतनी खूबसूरत दुनिया में, एक जो कि इसी म्यूज़ियम में थी, पूरी एक दुनिया फिशेस की, बहुत खूबसूरत। हर किस्म की फ़िश आपको यहाँ पे मिलेगी, समंदर के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, बहुत खूबसूरती से रखा हुआ है। ये देखिए, ये उतर कर हर जगह आपको बहुत ब्यूटी ब्यूटी नज़र आएगी, बड़ी छोटी हर साइज़ की फ़िशेस, डिटेलिंग के साथ उसके नाम भी लिखे हुए हैं किस समंदर में क्या पाई जाती है, उसके नीचे सब कुछ लिखा हुआ था ना। और यहाँ पे एक फिल्म भी चलती रहती है। और ये देखिए दीवार भी सारी फिशी फिश बनी हुई है ना, पूरे टाइल लगे हुए थे पीछे, और ये सब नीचे डिटेलिंग है इसकी कि कहाँ पर किस समंदर में कौन सी फ़िश आपको मिलेगी और उसका नाम क्या है, सब कुछ इस हर एक्वेरियम के नीचे। ये देखिए, अभी एक फिश को देखिएगा उसके साथ, वो मेरे साथ क्या करती है ये मुझे प्यार करने के लिए ऊपर आई थी मुझे देखते हुए बिल्कुल साथ 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 साथ, और ये देखिए रुक गई एक जगह पर तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ मेरी पिक्चर क्लिक करें, उन्होंने पिक्चर भी क्लिक की और मैंने वीडियो भी बनाई ये देखिए वो मेरे साथ फुल खेलने में लगी हुई थी काफ़ी देर तक मैंने सब मस्तियाँ करी, फिर हम चले आगे। फिर ये शिप्स हैं, और ये भी कुछ चीज़ें, और ये सारे नेवी के, आर्मी के, सबके ड्रेसेस के साथ डमीज हैं आर्मी से रिलेटेड। ये देखें पाकिस्तान की यूनिफॉर्म्स हैं, लीजा इज राइट, ये सारे शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, बहुत खूबसूरत। ये ऊपर हम जा नहीं सकते थे, वहाँ की लिफ्ट बंद थी, तो ये कभी हमारे पाकिस्तान में भी पाया गया होगा डायनासोर, ये उसका वो था स्केलेटन था, बहुत बड़ा था ये। अच्छा, इसकी लिफ्ट की टाइमिंग मॉर्निंग की होती है ना, तो अब मॉर्निंग में दोपहर में उठकर भरी दोपहर में इस लिफ्ट की वजह से कौन जाएगा देखने के लिए इसको ये किला कौन सा है, मनोड़ा, ये मनोड़ा पहले ऐसे होता था। और ये तमाम कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं, डंडे में झंडे, डंडे में झंडे
फिर अब हम यहाँ से अब एग्ज़िट हो रहे हैं और एक एरोप्लेन नेवी का खड़ा हुआ मेरा वेट कर रहा है, जो कि मुझे घुमाने के लिए और पिक्चर दिखाने के लिए बहुत बेताब था। कह रहा था प्लीज़ आप आ जाएँ, आपकी फ़्लाइट है, आप आ जाएँ, आपकी फ़्लाइट है। तो फिर फाइनली फिर मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ थोड़ा सा इस एरोप्लेन में, यहाँ से देखें टिकट्स भी लेते हैं। तो मेरा तो खैर नहीं था, बच्चों का मैंने ले लिया था, मेरे को सिर्फ ऑफ कॉस्ट था 30 रुपीज़ टिकट के होते हैं यहाँ पे जाने के। और यहाँ पे फिल्म चलती है, मिनी सिनेमा है, सब बैठे हुए अपनी सीट पे नज़ारे करते हैं इसी में। ये जो जंगी होती हैं पानी की जितनी भी, उसके चलते हैं। पहले जब हम छोटे थे, जब हम यहाँ गए थे, तो 50-50 चलता था इसी एरोप्लेन में। अब ये जंगों की मूवीज़ चलती हैं, जो सब इंजॉय कर रहे थे, तो मैं भी देख रही थी, थोड़ी देर देखी। और ये कुछ सीटें थी आगे, कबर्ड्स थी लगी हुई, वो मैं देख रही थी शायद मुझे कोई ख़जाना वजाना मिल जाए शायद किसी ज़माने का। और ये देखें ये स्टार्टिंग है उसकी, जहाज़ की वो जो नोक वाली चीज जगह होती है ना, नोक जो बन जाती है आगे जाके। और उसे खेल रही थी इन बटन्स के साथ कि शायद ये चलना शुरू हो जाए। टायर पंचर हो गया, चेंज करना पड़ेगा। हवा बहुत कम है, फिर अंदर तक जा रहा है। कुछ आप लोगों को पता है इसमें हवा कितनी होती है? इसका टायर पंचर हो गया है, अब मुझे चेंज करना पड़ेगा इसका टायर। मैं छोटी मोटी गाड़ियों का टायर चेंज नहीं करती, मैं सिर्फ एरोप्लेन का टायर चेंज करती हूँ। देखिए ये मिसाइल है, छोटा ये छोटा है नहीं, छोटा है ये मेरे हिसाब से बहुत। और ये इसकी डिटेलिंग है, मतलब कब कहाँ पे ये यूज़ हुआ था, यूज़ हो के वापस भी आ गया था। ये देखिए बहुत फुर्सत से हमने इसकी वीडियो कैप्चर की आप लोगों के लिए, तो आप इसको पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हमने भी वहाँ खड़े होकर काफ़ी टाइम लगाया था। और फिर ये कॉफिन्स से किसी ज़माने में, मतलब इसमें मैयत वगैरह, मैयत गाड़ी एक तरीके से, उर्दू में मैयत गाड़ी, इंग्लिश में कॉफिन्स, वो किसी ज़माने में ये यूज़ होते थे हाथ से पकड़ के घोड़ों के ज़रिए, उसकी पिक्चर भी थी तो लेकर जाई जाती थी इसमें मैयत शायद। ये डक्स थी कुछ, डक डक्कू डक। और ये एग्जिट का पोर्शन था यहाँ से। हमारा मेरी टाइम का ब्लॉग यहीं पे होता है एंड। ओके बाय बाय फैमिली, हमारा मेरी टाइम म्यूजियम का ब्लॉग होता है यहीं पे एंड। आई होप सो कि आप सबको मेरी टाइम म्यूजियम का पार्ट टू भी अच्छा लगा होगा। पार्ट वन जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यस्टरडे। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पार्ट वन पे जो आप लोगों ने लाजमी जाके देखना है, देन फिर आप लोगों को पार्ट टू जो है वो पूरा जो है वो क्लियरली समझ आ जाएगा। तो आई होप सो कि आप सबको अच्छा लगा होगा मेरी टाइम म्यूजियम का। मैंने जैसे कि कहा था आप लोगों से कि मैं बिल्कुल डिटेलिंग में बनाऊंगा, मैंने पूरा डिटेलिंग बनाया, इसलिए इतना लेंदी ब्लॉग बना था। एंड मैं आपको कहा था कि आई न्यू इट के बहुत ज़्यादा लेंदी ब्लॉग बनेगा एंड वो बना, तो इसलिए जो है मैंने उसको टू पार्ट में डिवाइड किया था। आई होप सो कि आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड म्यूजियम का ये था, इसलिए जो है हम ऑफ कोर्स पे नहीं जा सके थे, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस ब्लॉग पे आप लोगों ने प्यार दिया वापस जाएंगे एंड वहाँ पे जो है म्यूजियम में जाकिंग में हम म्यूजियम का ब्लॉग बनाएंगे, तो इस ब्लॉग पे प्यार आता है। अभी जो है हमने एक ही जो है म्यूजियम का जो है वो फ्लोर एक्सप्लोर किया था, बिकॉज जो है टाइम नहीं था, बिल्कुल ओवर हो चुका था टाइम। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स में कीजिए, बस हमारे फैमिली फ्रेंडली व्लॉग होते हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ज़्यादा जो वेट करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक स्पेशल डे है जो आने वाला है, आप लोगों को उसको व्लॉग जो है वो मिलेगा। तो अब जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने व्लॉग जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड करें इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो लेट नहीं होगा, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोगों को जो है वो पता चल ही जाएगा कि वो किस चीज़ का व्लॉग है, बट वो जब भी पता चलेगा जब वो व्लॉग अपलोड होगा YT पर भी नहीं बताऊँगी, सरप्राइज है। तब तक जो है आप लोग कीजिए उसका वेट। चलती हूँ, हमारा यहीं पर व्लॉग एंड होता है, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।